लोकतंत्र के मंदिर असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आपके बीच में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं असम विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं जिस अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, विश्वास, भरोसे के साथ आपको भेजा है, आप उसी अपेक्षा, विश्वास, भरोसे के साथ जनता की अपेक्षा के अनुरूप इस विधानसभा में काम करते हुए इस प्रदेश को चौमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। असम भारत का वह पूर्व प्रदेश है जिसको कहते हैं कि पूर्व प्रदेश का द्वार, और असम की जितनी विशेषता की जाए, इसका समृद्धशाली इतिहास, इसकी गौरवशाली परंपराएं, अध्यक्ष जी ने पूरा महाभारत का इतिहास बताया, ब्रह्मपुत्र की वह नदी जो हमारी जीवन धारा है, हम सबकी आस्था, विश्वास, कामाख्या माता जी का मंदिर, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो असम अपने आप में इस देश का एक प्रमुख प्रदेश है। और कहते हैं कि जैसा जैसा कोई नहीं वैसा असम है, और यही असम की विशेषता है। अभी सदन के नेता, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने असम के गौरवशाली इतिहास, यहाँ की समृद्ध परंपराएं, परपाटियां, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों का इस प्रदेश में योगदान, उसके बारे में चर्चा की। 8 दशकों तक इस विधानसभा का एक लंबा इतिहास रहा है, और जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि संघर्ष के प्रेरणा जिन्होंने इस प्रदेश के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए संघर्ष किया, त्याग बलिदान दिया, ऐसे भारत रत्न गोपीनाथ बोरदल जी को भी हम याद करते हैं। हम आज याद करते हैं हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक संगीत को देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने वाले भारत रत्न जिन्होंने एक नया नाम दिया, भूपेन हजारी जी को भी हम इस मौके पर याद करते हैं। आज मैं क्रिसमस की भी आपको बधाई देता हूं, और उसी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक, देश के विकास की नई गाथा लिखने वाले, पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर जिनका विकास में बहुत योगदान रहा, सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं स्मृति और नमन और श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, ये 75 साल की हमारी लोकतंत्र की यात्रा, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेह हुई है, और जनता की अपेक्षाएं भी
इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और बड़ी है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। साथियों, शासन की प्रणाली को हम जितना अधिक सार्थक, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाएंगे, उतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं ज्यादा जनता के प्रति जवाबदेह होगी। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को पारदर्शितापूर्ण बनाए, समावेशी बनाए और चर्चा संवाद का केंद्र बनाए। पिछले दिनों पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन, जो हमारी शताब्दी वर्ष का सम्मेलन था, उस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में व्यापक चर्चा की, संवाद किया कि किस तरीके से हमारी इस लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा और आने वाले समय के अंदर, जब हमारा 100 साल शताब्दी वर्ष होगा लोकतंत्र का, उस समय की हम व्यापक कार्य योजना कैसे बना सकते हैं। और साथियों, आज मुझे गर्व है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज लोकतंत्र पर चर्चा करने लगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, दुनिया के बड़े लोकतंत्र देशों ने विचार विमर्श किया कि इस लोकतंत्र को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। और लोकतंत्र के अंदर यह माना गया कि संसदीय लोकतंत्र ही सबसे बेहतर विकल्प दुनिया के अंदर है और भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारी पुरातत्व संस्कृति में, संस्कारों और विचारों में, हमारी कार्यशैली के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा है। ये लोकतंत्र हमारे आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। आप जब इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा लोक कितना समृद्धशाली था, कितना गौरवशाली था, और उसी लोकतंत्र की इस यात्रा को हमने आगे बढ़ाया। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा लोकतंत्र आया तो हमने उस लोकतंत्र को भी जनता को समर्पित किया। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया। और इसलिए मैं आज उन संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर जी और उन मनुष्यों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस लोकतंत्र को जनता के प्रति समर्पित रखा। और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर समानता और लोकतंत्र के अंदर जनता का बीच में रखकर जो हमारा संविधान बना, आज दुनिया के अंदर कई देश भारत के संविधान का अनुसरण कर रहे हैं। और यही हमारी विशेषता है कि जहां पर हम समानता के साथ चल रहे हैं, लोकतंत्र मूल्यों पर आस्था विश्वास रखते हैं, वहां हमारे लोकतंत्र में बहुलवाद और विविधताएं हमारे लोकतंत्र को और सशक्त कर रही है और मजबूत कर रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विविधता हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है, लेकिन उसके बाद भी ये संपूर्ण विविधताएं हमें जोड़ने का काम कर रही है, उसमें मूल में लोकतंत्र है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, चाहे पूर्व में चल जाए, पश्चिम में चल जाए, उत्तर में चल जाए, दक्षिण में चल जाए, जब संसद में मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुलवाद, दलीय व्यवस्था, ये विविधता वाली संस्कृति किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को और सशक्त करती जा रही है और मजबूत करती जा रही है। और इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बनाया था तो उनके मूल में एक विचार था कि हम नागरिकों की संप्रभुता करें। और इसीलिए
नागरिकों की स्वतंत्रताओं, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं, संप्रभुता हो और हमारा लोकतंत्र ऐसा हो कि कितने भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमारे लोकतंत्र के अंदर जनता को मध्य में रखकर हमारी चुनाव प्रणाली को बनाया गया। और आज हम दुनिया में गर्व कर सकते हैं कि हमारी लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रणाली निष्पक्ष है, निर्वाध है। और इसीलिए 17 आम चुनाव के अंदर और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हमने देखा है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी सत्ता का सहज हस्तांतरण नहीं होता, लेकिन यह हमारे संविधान की ताकत है जिसके कारण हम गर्व के साथ कह सकते हैं जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और जनता का जनादेश प्राप्त कर हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने का काम करते हैं। साथियों, विधानसभा के अंदर हमारा काम कानून बनाना है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है, संवाद करना है और किस तरीके से उस चर्चा और संवाद के माध्यम से हम एक सकारात्मक परिणाम निकालें। कानून बनाते समय हम जितने भी स्टेट होल्डर हैं जिनके लिए कानून बन रहे हैं उनसे चर्चा करें, संवाद करें और जो जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आए हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कानून बनाते समय हमें व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए, सदनों में व्यापक चर्चा संवाद करना चाहिए। जितनी कानून बनाते समय चर्चा संवाद होगा उतने ही बेहतर कानून होंगे और उतना ही हम जनता का कल्याण कर पाएंगे। और इसीलिए कानून बनाते समय चर्चा संवाद का केंद्र विधानमंडल के मंदिर होने चाहिए। लेकिन साथियों, इस आजादी के 75 साल बाद हमें फिर से इन विधानमंडल की कार्यवाहियों पर चिंता करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से ये सदन चर्चा और संवाद के केंद्र बने थे, सहमति असहमति पक्ष विरोध हमारी लोकतांत्रिक संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है और इसीलिए हम जब विचार व्यक्त करें तो विचार व्यक्त करते समय जनता हमारे मूल में रहना चाहिए। और इसीलिए आज चिंता का विषय, इसलिए हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चिंता की थी कि जिस तरीके से विधानमंडलों के अंदर सदनों में शालीनता कम हो रही है, गरिमा कम हो रही है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस सबको चिंता करनी पड़ेगी। हम सबको सामूहिक रूप से हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं। सहमति असहमति प्रखर विरोध होना चाहिए, जनता की अपेक्षाओं को सदन में रखना चाहिए, जिस विचारधारा से चुनकर आए उस विचारधारा के आधार पर अपनी नीतियों की भी चर्चा करना चाहिए। लेकिन सदनों के अंदर नियोजित तरीके से सदन स्थगित कराना, सदन नहीं चलना, यह हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। हमारी लोकतंत्र परंपराएं बहुत समृद्ध रही है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम इन सभी विधानमंडलों को एक बेहतर चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं और यहां पर आकर जो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समस्याएं, कठिनाई हैं उनके बारे में सरकार का भी ध्यान डालें और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में कोई कमी हो तो उसका भी ध्यान डालें, कानून बनाते समय कोई कमी हो तो उसका भी ध्यान डालें, लेकिन इनको चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं, वैधान हंगामा का केंद्र नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए हमने लोकसभा में भी इस बात की चिंता की
और सभी दलों के नेताओं से भी चर्चा की, क्योंकि सत्ता आती और जाती है, परिवर्तन होती रहती। अगर हम लोकतंत्र के भारत के इतिहास को देखें, विधानसभाओं के इतिहास को देखें, तो इन 17 चुनावों के अंदर कई बार सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है, राज्यों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, दल की सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन हमारे लोकतंत्र मूल्यों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की जिम्मेदारी हमारी है। हम एक अच्छी परंपराएं परिपाटियां डालें, सब दल के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, किसी विषय पर असहमति हो सकती, किसी मुद्दों पर असहमति होती है, लेकिन असहमति और विरोध का तरीका भी हमें सदनों में ही बैठकर आपस में चर्चा कर उसकी प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी, ताकि सदन निर्बाध रूप से चले और ये सदनों के अंदर व्यापक और चर्चा संवाद हो सके। क्योंकि लोकसभा देश की सर्वोच्च संस्था है, राज्य के अंदर विधानसभा लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, और इसीलिए राज्यों के अंदर राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं यह अपेक्षा करती है कि जितनी आदर्श संस्थाएं राज्य विधान मंडल होंगे, उतने हम नीचे तक चुनी हुई संस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, तमाम जनता से चुनी हुई संस्थाओं को आदर्श संस्था बनाने की जिम्मेदारी विधान मंडल की है, आप सब लोगों की है। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूं कि हम सब मिलकर एक व्यापक प्रयास करना चाहिए आजादी के अमृत महोत्सव पर, कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को बढ़ाएं, इसकी मर्यादाओं को बढ़ाएं, उच्च कोटि की चर्चा हो, संवाद हो, वाद विवाद हो, तर्क हो, कानून बनाते समय व्यापक रूप से हम जनता का इनपुट लेकर जनता की भावनाओं को सदन में रखें, और एक बेहतर चर्चा का केंद्र इन विधान मंडलों को बनाएं। मुझे आशा है कि इस दिशा के अंदर हम सब मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे। हम यहां पर चुनकर आए इस प्रदेश के विकास के लिए, हम यहां चुनकर आए जनता के कल्याण के लिए, और जनता का कल्याण और राज्य की विकास दोनों की नीतियां बनती है विधान मंडलों से, और सबका एक मत है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, हमारे अलग अलग दलों के मैनोफेस्टो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बात पर विधानमंडल, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो, इस मत के रहते हैं कि मेरे राज्य का कैसे विकास हो और मेरे राज्य की जनता का कैसा मैं अधिकतम कल्याण कर सकूं। इस मत पर सारा विधानमंडल एक मत रहता है, और मुझे लगता है कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सरकार भी को भी जनता इस अपेक्षा से भेजती है। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे इन प्रयासों से हम जनता का अधिकतम कल्याण कर पाएंगे, नीतियों और कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचे उसकी चर्चा कर पाएंगे, और इसके लिए हमारी विधान मंडलों में संसदीय समितियां भी होती हैं। ये संसदीय समितियों का भी व्यापक कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। हम इन संसदीय समितियों के माध्यम से भी जनता से, स्टेट होल्डरों से चर्चा कर सकते हैं, हमारी नीतियां, कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम जिनके लिए बनाए थे, उन कार्यक्रम नीतियों के माध्यम से राज्य की जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हुआ, ये संसदीय समितियों के माध्यम से विचार विमर्श कर हम सरकार को सकारात्मक सुझाव कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए
हमारी संसदीय समिति भी मिनी संसद की तरह काम करती है, और इसलिए मेरी अपेक्षा है कि इन मिनी संसद समितियों को भी हम इनके कार्यक्रम में व्यापक सुधार करें और इनको मजबूती दें, और इनके बनाए गए फैसले, नीतियां, कार्यक्रम, सुझाव सरकार अमल करे, अधिकतम सुझावों को माने, तो मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र को और सशक्त कर पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। मुझे आज पहली बार इस असम में आने का मौका मिला। मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि पहली बार लोकसभा के स्पीकर यहां पर आए, मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है, और मैं आशा करता हूं कि जैसी असम की गौरवशाली इतिहास परंपराएं परपाटियां रही है, हम सब मिलकर इस असम विधान मंडलों के माध्यम से इस सदन की गौरवशाली परंपराओं को परपाटियों को आगे बढ़ाएंगे। राज्य की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, इन संस्थाओं को समावेशी करेंगे और सबको साथ लेकर राज्य के विकास में सामूहिक रूप से योगदान देंगे। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हम फिर चर्चा करेंगे, आने वाले समय पर फिर संवाद करेंगे, और मैंने माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया है कि लोकसभा और विधानसभाएं आपस में मिलकर एक लेजिस्लेचर बनाए, और इसके लिए आपने शुरुआत की, एक अच्छी शुरुआत की। आज विधानसभा का ऐप बनाया है जिसमें विधानसभा ऐप में सीधी कार्रवाई होगी, आज के पत्र होंगे, कार्रवाइयाँ होगी। पुरानी, मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि पुराने विधानसभा की कार्रवाइयाँ होगी, जितनी भी अभी तक डिबेट हुई है आने वाले समय में सब डिबेट इस ऐप पर होगी, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हम कर सकें और जनता भी हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस कार्य को, हमारी कार्रवाई को सीधा देख सके। जिस अपेक्षा आकांक्षाओं से भेजी, उन आकांक्षाओं को हम पूरी करते यहाँ पर दिखें, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का और विश्वास भरोसा बढ़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।